हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन 1. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अच्छा एक अननोन नंबर है, फ्रॉम अ नंबर, ओके, तो लेट द नंबर बी एक्स, उसमें से 1/2 माइनस करना है, फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, तो यू गेट 1/8, ओके. लेट नंबर बी एक्स, तो एक्स में से 1/2 माइनस करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 1/8. दिस इज क्वेश्चन. एक नंबर है उसमें से 1/2 माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, सो आपको 1/8 मिलेगा. ठीक है, ये एक्स वाला LHS है, कांस्टेंट वाला RHS है. अब एक्स के साथ दो टर्म है इमीडिएटली, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो 1/2 हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ताकि ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/4. ओके, तो स्टेप 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. ओके, ऐसा नहीं करना है, ये 1/2 या 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो भी चलेगा, ये हो जाएगा कट. ओके, सो अगेन कोई एक नंबर उसमें से 1/2 माइनस करो, फिर रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको 1/8 मिलेगा. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4. अब LHS में एक्स के साथ माइनस 1/2 है, तो अगर उसको नलीफाई करना है तो आपको दोनों तरफ प्लस 1/2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो ज़ीरो हो जाए. तो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, ये हो जाएगा ज़ीरो. 1/4, 1/2 LCM लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 1+2/4, x इज इक्वल टू 3/4 इज द आंसर. सेकंड, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, चलो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पैरीमीटर हमको दिया है 154 मीटर. लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर उसकी ब्रेथ x है तो लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, तो पहले ट्वाइस करो और फिर 2 मीटर मोर. ओके, तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ होगा 2x+2 और पैरीमीटर तुमको दे दिया है, तो व्हाट इज लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, चलिए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरीमीटर, 2 × L+B, पैरीमीटर हमको दे दिया है, 2 लिखो और L और B को प्लस करके लिखो, फिर से जो हिंट दिया है उसके ऊपर से ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बोला है जो ब्रेथ है उससे ट्वाइस करके 2 प्लस करो, उतनी उसकी लेंथ है. अब पैरीमीटर का फॉर्मूला, ओके, 2x+1x होगा 3, ओके, 3x+2 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है. ओके, तो 2 हो गया कट. ओके, 77 इज इक्वल टू 3x+2, अब यहाँ पे दो टर्म है 3x और प्लस 2, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2. ओके, तो 75 इज इक्वल टू 3x, अब यहाँ पे 3x है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो उसका ऑपोजिट होता है डिवाइड, दोनों तरफ हम करेंगे डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा x. तो x है वो तुम्हारा ब्रेथ है, तो लेंथ होगा 2x+2, उसमें वैल्यू रख दो. क्वेश्चन नंबर 3, बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, व्हाट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड सेम होती हो. ओके, तो ये उसका बेस है 4/3, आइसोस्केलस है तो ये दोनों सेम होगा कि नहीं, इसी को तो आइसोस्केलस बोलते हैं. और पैरीमीटर इज 4 × 2/15, पैरीमीटर मतलब प्लस ऑल साइड, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस करो तो हमको मिलता है पैरीमीटर. ओके, तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 4 सम ऑफ ऑल थ्री साइड, 4 × 2/5 इज इक्वल टू 4/3+x+x, ओके, 62/15, 15 × 60+2, इसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर को. ओके, तो मिलेगा
62 अपन 15 इज इक्वल टू 4 अपन 3 प्लस 2x। अच्छा इधर हमारे पास LHS RHS में दो टर्म है, एक 2x और एक प्लस 3 अपन 4। तो हम पहले प्लस 3 अपन 4 को रिमूव करेंगे, यानी दोनों तरफ माइनस 4 अपन 3 माइनस 4 अपन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस 4 अपन 3 लिखेंगे। ओके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इधर ये ज़ीरो हो जाएगा, LCM लेंगे तो 15 आएगा और मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे 5 से करेंगे 15 लाने के लिए। LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x। अब 2 निकालना है तो दोनों तरफ हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 7 अपॉन 5।